तो पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, TH महिमा ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नोक्त में से, निम्नोक्त मतलब नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से कौन चित्रकला पेंटिंग के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। तो चार और नाम दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा पेंटिंग के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, निम्नोक्त में से किसने विज्ञान की दो शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो कौन प्राप्त किया, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है मैरी क्यूरी लिखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा मैडम क्यूरी लिखा है, तो यह मैडम क्यूरी भी हो सकता है, उनका सही नाम क्या है, मैरी क्यूरी नाम है। और कौन कौन विषय में ये नोबेल पुरस्कार इनको मिला, तो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और इनकी दो बेटियां हुई दोस्तों, दोनों बेटियों को भी नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, तो इनके बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक का लेखक कौन है, कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक का लेखक बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नाम हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सुखवंत सिंह है कंपनी ऑफ वीमेन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 13वीं लोकसभा के निर्वाचन में शासक गठबंधन ने सभी स्थान निम्नोक्त में से किस राज्य में जीते, तो राज्य है हरियाणा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय गोल में सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो भारत का प्रतिनिधित्व सरोजिनी नायडू ने किया, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की, प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश के शासकों ने, सातवाहन वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था, किसके इतिहास में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुट निरपेक्ष आंदोलन। प्रश्न क्या कह रहे हैं, बांडुंग सम्मेलन किसके इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर था, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के इतिहास में, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। सारे दोस्तों प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं बार बार उन्हीं प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा की हूँ। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, प्रश्न क्या कह रहे हैं, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो कौन ग्रंथ है, तो सर्वसूत्र, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 11th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन नदियों के उद्भव केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर हैं, तो कौन कौन नदी है, तो आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी के उद्भव केंद्र लगभग एक ही बिंदु पर है, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन निम्नलिखित महासागर में स्थित है, किस महासागर में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन, तो प्रशांत महासागर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है, देखिए यह प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, निम्न में से किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है, तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, उस खिलाड़ी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंद्रे आगासी। अगला प्रश्न भी देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, उसकी आधी पत्तियां का नाश, उसकी सभी पत्तियों का नाश, उसकी आधी शाखाओं का नाश, उसकी छाल का नाश, तो उसकी सभी पत्तियों का जब नाश हो जाएगा तो वृक्ष को बहुत ही हानि पहुंचेगी, क्योंकि पत्तियों के द्वारा ही वृक्ष क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न देख लीजिए, 15वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है, कैसा उदाहरण है, मुक्त वस्तु का,
अंतिम वस्तु का, उत्पादक की वस्तु का, उपभोक्ता की वस्तु का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, उपभोक्ता की वस्तु का, याद रखेंगे भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? साबुनीकरण, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। सारे प्रश्न ये सब बार बार पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, तो औसत ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। वैसे 4000 से 5000 मीटर यानी 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूरी माना जाता है, लेकिन औसत ऊंचाई जब बात करते हैं तो आंसर 5000 यानी कि मीटर हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो गेंद कैसी गिरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उसके हाथ में। क्या कह रहा है? स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो स्थिर गति से जा रही है तो उसके हाथ में आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और बीऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, उभयचर में। ठीक है, किस कशेरुकी में? तो उभयचर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, आप टेलीग्राम दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं समय समय पे सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ की नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ के रूप में आप उन्हें अच्छे से प्रिपरेशन भी अपने आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया हूँ। नेक्स्ट को दोस्तों क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नोक्त में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय एवं मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, तो इसकी नहीं हो जाएगी। और चौथा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है उपराष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो किस अवधि, कितने दिन, यानी कि 1 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रश्न है। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र आंसर हो जाएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर प्रश्न है। फेबियन बाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? प्रजातांत्रिक समाजवाद से। फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? प्रजातांत्रिक समाजवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में नाबार्ड यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? नाबार्ड की, याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस परमादेश यानी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है? तो कौन सा परमादेश है, तो कौन सा रीट है,
यहाँ कह रहा है, प्रश्न कह रहे उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश यानी रीट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए उसे बाध्य किया जा सकता है, तो हो जाएगा परमादेश यानी कि मैंडेमस की रीट, मैंडेमस की रीट हो जाएगी यानी परमादेश, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, याद रखेंगे ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों में किसी धनेतर यानी कि नान मनी विधेयक संबंधी असहमति होने पर क्या होगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रपति बिल पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसे भी याद रखेंगे। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, बड़े बड़े प्रश्न दिख रहे हैं लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक नाइट्रिक अम्ल रंगदार होता है क्योंकि इसमें मिला होता है, क्या मिला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड मिला होता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 नंबर प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, अधिक नाइट्रोजन वाला उर्वरक है तो आपको पता होगा यूरिया, यूरिया में कितना नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, यूरिया का जो बोरा लिखा होता है उस पे भी आप देखते होंगे लिखा रहता है 46% N यानी कि 46% नाइट्रोजन उसमें होता है यूरिया में, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में, ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं, किसके कारण मर जाते हैं, तो सिरोसिस के कारण मर जाते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये भी प्रश्न है, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किस चीज का बना होता है, जो पेंसिल का लीड होता है जिससे चलता है जिसे लिखा जाता है वो किस चीज का बना होता है, तो बहुत बार इसे बता चुका हूं इस प्रश्न को, तो ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक हैं कौन है, तो नेल्सन मंडेला है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था, तो कब आया था, तो 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, 35 नंबर, आप इसे जरूर याद रखेंगे, इस पे दो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये पहला प्रश्न है, सक संबोध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है, अंतिम महीना कौन होता है, फाल्गुन होता है, और पूछा जाता है प्रथम माह कौन है, तो चैत्र प्रथम माह होता है, दोनों प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, और अंतिम कौन होता है, फाल्गुन होता है, तो दोनों को याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, अप्रथम पूछ लेगा तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भारत में है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भारत में है बोल रहा है, तो 16%, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी है, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना, पशुओं को पालतू बनाना, पहिया बनाना, अनाज उगाना, तो आंसर हो जाएगा आग जलाना, पत्थर से पत्थर रगड़ के आग जलाना आदि मानव ने सबसे पहले सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, प्रश्न है मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने भारत के लिए स्वशासन को वर्तमान दशाओं में भारत के प्राचीन जीवन की निष्पत्ति और राजनीति के वेदांतिक आदर्शों की अंतिम निष्पत्ति कहा, तो किसने कहा, तो आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है आपका 40 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है,
तो किस में मिलती है? प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो कौन था? तो आंसर हो जाएगा यूरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो आंसर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, पीतल, कांस्य, तांबा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा एक भौतिक तत्व है और तांबा का संकेत क्या होता है? तो Cu होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तांबा क्या है? एक भौतिक तत्व है, ये मिश्र धातु नहीं है। इस्पात, पीतल, कांस्य मिश्र धातु से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है? तो जैविक रसायन नाम है। क्या नाम है? जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित, तो जैविक रसायन, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर प्रश्न है। प्रतिध्वनि के कारण, यानी प्रश्न है, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण है, प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ध्वनि का प्रवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ध्वनि का प्रवर्तन। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा होता है जल की संशुद्धि में रसायन प्रयुक्त? कौन सा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर दूसरा, याद रखेंगे, भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 47 नंबर देख लीजिए। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, गर्भनाल द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की, देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी सभी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? बंद करने की योजना है, तो किस देश की ने योजना बनाई है? तो जर्मनी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? मरास्मस किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा, कैलोरी की कमी के कारण मैरास्मस होता है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। वातावरण में ओजोन परत की तीक्ष्णता, देखिए प्रश्न है, वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। और भी दोस्तों इस पार्ट में क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, और आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी ग्रुप हो फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसमें दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इस दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, आप वहां पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा उस पर भी प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगी दोस्तों आपको डेली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।